हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत, यहाँ पर सारे काम हो चुके हैं हमारे और आज मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो इसमें आप सभी देख सकते हैं बिना हल्दी की बनाई है, तड़का लगा के और कसूरी मेथी टमाटर और हरी मिर्च कट करके डाल दी है और कुकर को बंद कर दिया है। बस हल्का सा पानी का छींटा दे दिया है। यहाँ पर ये रखी है हमारी चाय, तो चाय मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इस टाइम मैं बिना पत्ती की चाय पीती हूँ और ना ही अदरक डालती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा बिना पत्ती वाली चाय निकाल लेती हूँ, क्योंकि मन नहीं मानता है चाय की। मतलब थोड़ा सा चाय गर्म पानी ही मिल जाए, लेकिन सुबह के टाइम ज़रूर मिले। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना और थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब चल रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, हाथ पैरों में दर्द होता है। और यहाँ पर उसके बाद सब्ज़ी बन गई है, तो इधर मैंने सब्ज़ी को उतार के रख दिया है। चाय भी बन चुकी है, इधर मैं बनाने लगी हूँ पराठा। तो थोड़ा थोड़ा करके आप सभी को दिखा देती हूँ और पूरा ब्लॉग आप सभी को बहुत जल्दी दिखाऊंगी, जैसे कि बर्तन कपड़े। बीच में मैं फुल ब्लॉग बनाती थी, लेकिन इस टाइम हमारे पास ट्राईपोड नहीं है और नीचे फ़ोन रखती हूँ, तो हमारी बेटी बहुत ज़्यादा शैतानी करती है, वो फ़ोन तुरंत उठा लेती, तो नीचे रख के नहीं बना पाती हूँ। जहाँ पर ऊँचाई है वहीं पर फ़ोन रख के बना लेती हूँ। यहाँ पर सुबह के टाइम पराठा बना रही हूँ, बाकी सारा काम मतलब खाना बन चुका है और सारा काम भी हो चुका है, जैसे कि झाड़ू पोछा और सारा काम कर चुकी हूँ। और कुछ आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करो तो ब्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा मन लगे, लेकिन व्यू भी नहीं अच्छे आते हैं और लोग बातें तो बहुत ज़्यादा करने लगते हैं इधर उधर वाले, रिलेशनशिप वाले, लेकिन व्यू बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं आते हैं। व्यू अच्छे आए तो मन भी लगे अच्छा सा, तो आप लोग मुझे सपोर्ट ही नहीं करते हो, वरना बहुत ज़्यादा मैं अब तक बस टैंक कब का कंप्लीट हो गया होता और इनिंग भी होने लगती है हमारी। और इधर दोस्तों पराठा बनाने के बाद सारा काम कर लिया था, ये टाइम है लगभग 11:30 बजे का 12 बजे का। तो यहाँ पर मुझे याद आ गया कि मक्खन मतलब मलाई जो उतारती थी वो रखी है, ये मैंने फ्रीज़र में रख दिया था टिफिन। इस टिफिन में बहुत ज़्यादा मतलब लगभग 8 दिन हो गए हैं, तो और ये बाल्टी में रख लिया था, थोड़ा सा मलाई उतार लेती हूँ। इस बार मैंने सिर्फ मलाई मलाई ही उतारी है, तो फिर मैं इसका घी बना लूँगी। और लगभग 15 दिन की है इससे, मतलब बीच बीच में मैंने थोड़ा सा यूज़ भी कर लिया था सब्ज़ी वगैरह में, नहीं तो बहुत जल्दी भर जाती बाल्टी। और यहाँ पर ये बहुत देर तक इंतज़ार करती रही, लेकिन ये पिघल ही नहीं रही थी, बर्फ़ सी जम गई है बहुत देर से। मतलब पहले मैंने बाहर भी निकाल दिया, फिर मैंने उसको अलग रख दिया थोड़ी देर के लिए, मैंने सोचा और थोड़ा सा पिघल जाए अच्छे से। और ये बाल्टी वाली डाल दी इसमें, और यहाँ पर ये डाल के फिर उसको भी थोड़ा थोड़ा करके मैंने तोड़ तोड़ के बीच बीच में डाल दिया, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता पानी जलने में, तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने तोड़ तोड़ के डाल दिया। जो भी एक्स्ट्रा पानी था उसको फेंक दिया था। और ये देखिए सिर्फ मलाई मलाई निकाली थी, अच्छा सा घी निकल आया है, देखिए आप लोग कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही थी अच्छे से घी निकल आया है हमारा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मलाई बहुत ज़्यादा इकट्ठी करती हूँ, घी कम निकलता है, और इस बार मैंने सिर्फ मलाई ही डाली है, दूध बिल्कुल भी नहीं मतलब डाला था। तो मलाई फ्रिज में रख दो, दूध तो अच्छे से ऊपर मलाई मलाई जम जाती है सुबह के टाइम, तो उसको उतार के डाल देती थी। अच्छा सा घी निकल आया है, गाय का घी बहुत ही अच्छा होता है, गाय का ही दूध आता है हमारे यहाँ, आप लोग देख सकते हैं। ये लगभग 150 ग्राम घी बन गया था, और थोड़ा सा इसमें मैंने दाल फ्राई भी कर ली थी, शाम के टाइम दाल बनाई थी, तो यहाँ पर घी हमारा बहुत ही अच्छा निकल आया है। और उसके बाद ये दाल बनी है, पहले की मतलब दाल इसमें घी निकाल लिया था दाल फ्राई करने के लिए, तो आज मतलब हमारे जो पिताजी हैं वो गए थे संस्कार करवाने, मतलब गांव में किसी की डेथ हो गई थी, तो इसीलिए फिर बिना हल्दी वाली दाल मैंने बनाई है। और इसी फ्राई पैन को रख दिया था मैंने यूज़ करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा घी भी लगा था, और एक चम्मच के ही मैंने घी डाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घी फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर टमाटर हरी मिर्च लहसुन और प्याज को कट कर लिया है, तड़का लगाएंगे अच्छा सा,
और वैसे भी ये दाल बहुत ज़्यादा किसी को नहीं पसंद है, लेकिन अच्छी सी बना लूँगी तो सभी लोग खा लेंगे। और देसी घी का तड़का लगा दिया है तो इसीलिए फिर मैंने इसको, मतलब मुझे याद आ गया था कि शाम को कुछ बनाऊँगी, तो इसी में इसको मैंने ढक के रख दिया था फ्राई पैन को। यहाँ पर अच्छे से टमाटर पक चुके हैं और बहुत ज़्यादा नहीं पकाए हैं, हल्के से पक गए थे तभी मैंने अच्छे से मैश कर दिया था और डाल दी है दाल। तो ये दाल अच्छी लगती है, वैसे अरहर की दाल बनाने वाली थी लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है बिना हल्दी की, तो फिर मैंने इसीलिए इस ये वाली बना ली, चना उड़द की दाल है ये। और काफ़ी टेस्टी लगी थी, इतनी टेस्टी लगी थी देसी घी की दाल, क्योंकि ये घर का शुद्ध देसी घी था, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी खाने में, बहुत अच्छा लगा खाना शाम का दाल चावल, और इतने टेस्टी थे आप लोगों के पास इस तरह से, मतलब घर का घी था तो इसीलिए ज़्यादा टेस्टी लगी, और मोल वाला घी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर दाल फ्राई अच्छे से हो चुकी है, इसको मैंने उतार के फ्राई इसी में रख बंद करके गर्मा गर्म जल्दी से चावल भी बना लेंगे। 7:30 का टाइम होगा, क्योंकि आप सभी को मैंने पहले भी बताया, थोड़ा सा जल्दी बना लेती हूँ। उसके बाद सभी ने खाना खा लिया था, दाल चावल और सब्जी रोटी। इसके बाद यहाँ पर गैस को साफ कर दिया है किचन को अच्छे से, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पर ये घी वाला जो मैयर बोला जाता है वो रखा है, इसका भी कुछ यूज करूँगी तो इसको ढक के रख देती हूँ, ये ख़राब नहीं होगा। दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, बाय।